वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2020 यानी कि सीईटी 2020 को पोस्टपोन के रिगार्डिंग। कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी द्वारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी 2020 को पोस्टपोन कर दिया गया है। कब तक के लिए पोस्टपोन किया गया है इसकी जानकारी उस ऑफिशियल नोटिस में है। तो सीधे चलते हैं सबसे पहले उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो ये जो ऑफिशियल नोटिस है वो कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है। नीचे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है और डेट दी हुई है 30 मार्च 2020। क्या बोला गया है प्रेस नोट में ये देख लेते हैं। बोला गया है कि इन ऑर्डर टू टेक प्रिकॉशनरी स्टेप्स टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस COVID-19 पेंडेमिक इन द स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 22 अप्रैल 2020 एंड 23 अप्रैल 2020 एंड कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट ऑन 24 अप्रैल 2020 हैज बीन पोस्टपोन। इन ड्यू कोर्स रिवाइज टाइम टेबल फॉर सी ई टी 2020 विल बी पब्लिश इन द KEA वेबसाइट एंड ऑल्सो न्यूज़पेपर्स। तो इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सिग्नेचर हैं। उन्होंने बोला है कि जो आपके एग्ज़ाम्स 22 अप्रैल 23 अप्रैल और कन्नड़ लैंग्वेज का एग्ज़ाम 24 अप्रैल को कंडक्ट करवाया जाना था उसको COVID-19 की फ़िलहाल की सिचुएशन को देखते हुए पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसे ही कुछ न्यू डेट्स की इंफॉर्मेशन आती है वो KIA के कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर के द्वारा स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये उनका ऑफिशियल प्रेस नोट है जिसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।